सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फेसबुक अकाउंट पर आप अपनी जीमेल आईडी को कैसे चेंज करेंगे। अगर आपकी जीमेल आईडी और आप चाहते अगर वो बंद हो चुकी है, अगर आप चाहते कोई न्यू जीमेल आईडी ऐड करना, तो कैसे ऐड करते वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे आपको जीमेल आईडी न्यू जीमेल आईडी ऐड करनी अपने फेसबुक अकाउंट में। तो गाइस जो भी प्रोसेस बताऊंगा आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और वीडियो को एंड देखिएगा, तभी आपको पूरी प्रोसेस के साथ समझ में आएगी। कोई भी अगर आप पार्ट मिस करेंगे तो ये आपकी गलती हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी आपको जीमेल आईडी ऐड करने में। तो गाइस वीडियो को एंड देखिएगा और आपको दोनों बताऊंगा प्रोसेस के साथ कि ऐड कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं। दोनों आप फॉलो करके आप इजीली अपनी जीमेल आईडी को ऐड भी कर सकते हैं और जीमेल आईडी को रिमूव भी किया जा सकता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एमडीजेड लारी यूट्यूब चैनल को और घंटे वाले बटन को जरूर से तोड़ दीजिएगा ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ऑनलाइन लूट डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए जेड लूट डील्स और वहां पर जाकर के ज्वाइन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सारी ऑनलाइन लूट डील्स एंड ऑफर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपनी जीमेल आईडी को ऐड करना या जीमेल आईडी को रिमूव करना, तो गाइज यहां पे आपको अपनी फेसबुक की अकाउंट को लॉगिन कर लेना, अपनी फेसबुक लाइट हो या फेसबुक की मेन एप्लीकेशन हो। तो यहां पे मैं फटाफट यहां सब कुछ कंप्लीट करता हूं। एक बार यहां पे मैं फेसबुक को यहां मैं सब कुछ क्लोज करके आपको दिखा रहा हूं। तो गाइज यहां मैंने क्लोज किया और फेसबुक यहां ही ओपन कर लेता हूं फेसबुक की मेन एप्लीकेशन में। तो गाइज फेसबुक की मेन एप्लीकेशन में आप जैसे आप लॉगिन कर लेंगे अपनी अकाउंट, यहां पर आपको बस आपके एक ऑप्शन मिलता होगा थ्री डॉट्स की। आपको इस थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ डिटेल मिल जाती है, आपकी प्रोफाइल शो करेगी और यहाँ पर कुछ डिटेल आपको इसमें मिलेगी। तो गाइज आपको चेंज करना है, आपको जीमेल आईडी ऐड करना है और चेंज करने के लिए आपको एक सेटिंग की प्राइवेसी एंड लिखा होगा ऑप्शन, आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। गाइज अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक लाइट में भी इसको सेटिंग करना, तो मैं उसकी भी अभी सेटिंग बताऊंगा, दोनों प्रोसेस को आपको बताऊंगा ताकि आप फेसबुक लाइट यूज़ करें तो आप उसको भी इजिली फॉलो करके आप इसे चेंज कर पाएंगे। तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मेन एप्लीकेशन में बता रहा हूँ अभी, लाइट में इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज आपको बस सेटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको इस सेटिंग पर क्लिक कर देना है। गाइज जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ सिक्योरिटी प्राइवेसी सब कुछ यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है। तो गाइज आपको अकाउंट सेटिंग टॉप में दिखेगी, उसी में एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाम से आपका दिया हुआ होगा, उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ इसमें आपका शो करेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर मैंने क्लिक किया। सो गाइज जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं आपका नाम, ईमेल आईडी जो भी रहेगी, फ़ोन नंबर यहाँ दिखाएगा, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं ईमेल एड्रेस को चेंज करना, डिलीट करना, तो आपको इस पर बस क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सो गाइज जैसे मैंने क्लिक किया देख सकते हैं आपको यहाँ नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर दिखा देगा आपकी करेंट ईमेल, आपकी करेंट ईमेल जो भी रहेगी यहाँ आपकी शो करेगी नीचे। और यहाँ पर आप इसे जो राइट साइड में दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आप इस ईमेल को कैसे रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे कि आपकी ईमेल की लोग पब्लिक, पब्लिक भी करेंगे तो सभी लोग को आपका ईमेल दिखेगा। मोर ऑप्शन पर क्लिक कर दिए तो आपको यहाँ अगर चाहते हैं ओनली मी, मतलब आप खुद देखना चाहते हैं और कोई ना देखे आपकी ईमेल आईडी, तो आप ओनली मी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ नीचे ईमेल ऐड करने के लिए ऑप्शन बता रहा हूँ, ईमेल ऐड करने के लिए ऐड ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर ऐड करना हो तो आप ऐड फ़ोन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ऐड ईमेल एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पूछेगा ईमेल आईडी, तो आपको एडिशनल ईमेल आईडी, आपको जो भी ईमेल आईडी ऐड करना है सिंपली इसको क्लिक करके आपको यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर मैं लाइव आपको दिखा दूँ, यहाँ मैंने ईमेल आईडी ऐड कर लिया और ऐड ईमेल पर क्लिक किया। सो गाइज जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ दिखा रहा है कि ऑलरेडी मतलब मैं ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं दूसरा एक ईमेल आईडी को ऐड करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। ऐड ईमेल पर जैसे मैंने क्लिक किया तो गाइज यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग ईमेल में यहाँ शो कर रही है। तो गाइज आपका भी इस पेंडिंग ईमेल में शो करेगा। कन्फर्म कैसे करना है, कन्फर्म ईमेल के लिए आपको यहाँ कन्फर्म ईमेल एड्रेस इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड आपकी ईमेल आईडी पर गई होगी, उसको जैसे आप इंटर करेंगे ये आपकी कन्फर्म हो जाएगी और आपका ईमेल आईडी ये पेंडिंग जो दिखा रहा है वो आपका ऐड हो जाएगा पर्सनल में। तो गाइज आप इस तरह आप अपनी ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं और उसके बाद से आप इसको पर्सनल
बना लेंगे और जो पहले की आप उसे चाहते हैं रिमूव करना, नीचे आपका रिमूव का ऑप्शन हो जाएगा जब आप पेंडिंग को यहाँ कोड डाल करके आप वेरीफाई कर लें। कोड आपके ईमेल आईडी पर आएगी, वहाँ से आप सिंपली उस कोड को इंटर कर लीजिएगा और आपकी ये कंफर्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं रिमूव करना तो गाइज ऐसे आपका रिमूव देख सकते हैं, इसमें रिमूव की ऑप्शन आ रही है, ऐसे ही इसमें भी रिमूव की ऑप्शन आ जाएगी और आप उसे रिमूव कर सकते हैं पहले वाला, और आगे जो न्यू रहेगी उसको आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग बता रही कैसे आपको करना, अब मैं फेसबुक लाइट की भी बता देता हूँ साथ में। तो आपको फेसबुक की लाइट को एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइज आपको फिर जाना है थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग की ऑप्शन देख लेनी है। सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको भी सेम अकाउंट मैनेजमेंट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। इसमें जाने के बाद आपको फिर फॉलो कर लेना है जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ आपको ईमेल एड्रेस के आगे एडिट की ऑप्शन दिखेगी, एडिट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे करेंट और जो मैंने अभी दिखाया वहाँ पेंडिंग शो कर दिए मैंने, क्योंकि कोड को मैंने वेरीफाई नहीं किया है, मैं आपको बस दिखाने के लिए मैंने ऐड किया। तो और आप चाहते कन्फर्म करना तो आप अपनी डाल करके अपनी कोड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं रिमूव पर क्लिक किया, रिमूव करूँगा तो ये देख सकते हैं यहाँ जैसे रिमूव ईमेल एड्रेस करना भी हो तो आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। तो आपको गाइज ऐसे करके आपको अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी और उसे रिमूव किया जा सकता है। आज की वीडियो बचिंदा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।